नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच लीड्स के हेडिंगले ग्राउंड पर खेला जा रहा है। भारत के लिए पहले दिन का खेल किसी भी लिहाज से ठीक नहीं रहा है। हालांकि तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत में विराट को एक सफलता जरूर हाथ लगी। दरअसल विराट कोहली ने इंग्लैंड में पहली बार टॉस जीता है। कप्तान के तौर पर यह विराट का इंग्लैंड में 9वां टेस्ट मैच है। विराट इंग्लैंड में लगातार 8 टॉस गवा चुके हैं। यही वजह रही कि विराट ने जब तीसरे टेस्ट मैच में टॉस जीता तो वह खुद ही हंस पड़े। हालांकि विराट कोहली का टॉस जीतना भारत के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद साबित नहीं हुआ। विराट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत की टीम इंग्लैंड के गेंदबाजों के आगे पूरी तरह बेबस हो गई। भारत की पूरी टीम 78 रनों पर सिमट गई। विराट के टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी के फैसले की खूब आलोचना भी हो रही है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी विराट के इस फैसले को हैरान करने वाला बताया। विराट के टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी के फैसले को लेकर ब्रॉड ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, इंग्लैंड की सुबह पहले घंटे में 3 विकेट लेना शानदार है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक फैसला लिया। लीड्स इंग्लैंड में बेस्ट ऐसी जगह है जहां पहले बल्लेबाजी का फैसला अच्छा रहा है। जैसे जैसे मैच बढ़ेगा पिच में मूवमेंट कम हो जाएगी। क्या पिच से स्पिन मिलेगा? आपको बता दूं कि ब्रॉड पहले टेस्ट के बाद चोट के चलते इस सीरीज से आउट हो गए। जहां पहले गेंदबाजी का फैसला अच्छा रहा है, जैसे जैसे मैच बढ़ेगा पिच में मूवमेंट कम हो जाएगी। क्या पिच से स्पिन मिलेगा? आपको बता दें कि ब्रॉड पहले टेस्ट के बाद चोट के चलते इस सीरीज से आउट हो गए। स्टुअर्ट ब्रॉड ही नहीं, विराट के टॉस जीतने पर वसीम जाफर भी चुपचाप नहीं रह सके। उन्होंने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की है। यह तस्वीर शोले फिल्म से है जिसमें धर्मेंद्र सिक्का को देख रहे हैं। दरअसल यह फिल्म का वह सीन है जिसमें वीरू को पता चलता है कि जय टॉस के लिए जो सिक्का उछालता है उसके दोनों पहलू एक जैसे थे। इस तस्वीर को साझा करते हुए जाफर ने लिखा, कोहली ने जब टॉस जीता तो रूट कुछ ऐसे सिक्के को देख रहे थे। वहीं मैच की बात करें तो भारत ने जहां अपने विकेट जल्दी जल्दी गंवाए, वहीं इंग्लैंड के बल्लेबाजों की नकेल कसने में नाकामयाब रहे। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज एंडरसन ने भारत के टॉप ऑर्डर के बैंड बजाते हुए 3 बल्लेबाजों केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली को पवेलियन भेजा। भारत के सबसे अधिक रोहित ने 19 और रहाणे ने 18 रन बनाए। फिलहाल इतना ही। खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स आर।